सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से रेस दी जाती है, वो भी डबल स्टैंड पर लगाकर। सो आगे चलने से पहले हमें चार चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल व्हाट्स नेक्स्ट गुलाटी। मेरा नाम है प्रशांत। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज लेकर आए हुए हैं कि स्कूटी चलाना कैसे सीखे, तो आज उसका डे टू है। और डे वन जिसने अभी तक नहीं देखा है तो उसका आई आइकन पे मैं लिंक दे देता हूँ, या तो डिस्क्रिप्शन पर मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। और जिसने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले वो लास्ट वीडियो देखे, तभी वो सेकंड वीडियो पर आए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से रेस दी जाती है, वो भी डबल स्टैंड पर लगाकर। जब तक हमें हैंडलिंग करनी नहीं आती, जब तक हमें रेस देनी नहीं आती, तब तक हमें डबल स्टैंड पर ही सीखना चाहिए। सो आगे चलने से पहले हमें चार चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब तक आपको रेस देनी नहीं आती है, तब तक आपको हमेशा इंजन ऑफ रखना है। दूसरी चीज़, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको सिखाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। थर्ड चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, हेलमेट आपने साथ में रखना है, हेलमेट आपको पहन कर रखना है। और फोर्थ चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आप जैसे देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक खाली ग्राउंड लिया है, आपको भी उसी तरीके से एक खाली ग्राउंड लेना है। ये चार चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी और यहाँ भी बता रहा हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डबल स्टैंड लगाना सीखा था, तो पहले हम डबल स्टैंड पर लगाएंगे स्कूटी को, फिर इंजन को ऑन करेंगे और फिर सेल्फ स्टार्ट लेकर उसको हम रेस देना सीखेंगे। आपको प्रॉपर स्पीडोमीटर में भी आपको तरीके से दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्कूटी को बैलेंस बनाना, बीच में हैंडल को स्ट्रेट करना है और इसको डबल स्टैंड को बीच में लेकर आना है, बिल्कुल जब तक नीचे टच नहीं हो जाता। उसके बाद हमें ऐसे हल्का सा खड़ा होना है और पीछे करना, इसको पीछे नहीं करना, इसको पैर को नीचे लगाना है, फोर्सफुली नीचे करना है, हल्का सा पुश करना है, तो ऑटोमेटिकली ये पीछे चली जाएगी। तो ये जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि ये मीटर है और ये कीज़ हैं इसकी। हर स्कूटी का अपना अपना है, मेरे पास सुजुकी एक्सेस है, तो आपके पास एक्टिवा हो सकती है, एंटॉर्क हो सकती है, बहुत सारी स्कूटीज आती हैं। ये जैसे चाबी है, ये चाबी मैंने अंदर डाली, इसको किया, ये ऑन हो गया, ठीक है। ऑन होने के बाद मैंने पहले यहाँ पर नीचे किया, मैं ये दबा रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रही है। ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसमें हर स्कूटी में यही होता है कि पहले आपको ब्रेक दबानी पड़ती है, फिर सेल्फ लेना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे सेल्फ ले लिया है, ये देख रहे होंगे आप, इसमें आ रहा रेस लिखा हुआ। जैसे कि अभी हमने सीखा कि सेल्फ स्टार्ट कैसे लिया जाता है, अब हम सीख रहे हैं किक स्टार्ट कैसे लिया जाता है। तो किक स्टार्ट के लिए सबसे पहले हमें ये बाहर निकालना है और इसको स्कूटी को इस तरीके से पकड़ना है। याद रखना, इंजन ऑन रहे, इंजन ऑन नहीं रहेगा तो ऑन नहीं होगी, ठीक है। तो इसको एक किक देना है, इसको अंदर करना है, ये स्टार्ट हो जाएगी। अब हम सीखते हैं कि रेस कैसे देते हैं, यानी कि एक्सीलेटर पर होल्ड कैसे रखा जाए, अब ये सीखते हैं। अब हम सीख रहे हैं कि रेस कैसे दी जाती है, तो पहले हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने से पहले आपको मैं समझा दूं, ये होता है राइट साइड में एक्सेलरेटर देने का। इसको इस तरीके से एक्सेलरेटर दिया जाता है, ये फ्रंट ब्रेक है, ये पीछे की ब्रेक होती है, ये लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हमें पहले ऑन करनी है स्कूटी। ऑन करने के बाद ऐसे आपने बैठना है, ये पोजीशन है बैठने की, अगर आपको सामने से समझ आ रहा है ना, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये है सामने से। और ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे रेस देनी। जब आप बार बार रेस देंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि किस तरीके से होल्ड करना है। तो इसलिए ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये देख सकते हैं आप, धीरे धीरे इसको रेस देनी है, ऐसे धीरे रेस देनी है, फिर ब्रेक मारना है, रेस देनी है, ब्रेक मारना है, रेस देनी है, ब्रेक मारना है, रेस देनी है, फिर पीछे की ब्रेक मारनी है धीरे धीरे। ये देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें एक टारगेट सेट करना है। जैसे मैंने सोचा कि मेरे को 20 तक का टारगेट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ऑन करी और 20 तक का इसको लेके जाऊँगा और बस 20 तक मैं इसको दबा के रखूँगा। बीस, पच्चीस, उन्नीस, ताकि आपको समझ आएगा, अच्छा इतनी स्पीड हमें देकर, फिर 10, अब मैं 10 चाह रहा हूँ, 10 ले लूँगा इसमें। इससे क्या होगा, आपके हाथ में कंट्रोलिंग पावर आना शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि सेल्फ स्टार्ट कैसे लेते हैं, किक स्टार्ट कैसे लेते हैं, डबल स्टैंड पे कैसे लगाते हैं, पार्ट्स के बारे में आपको बताया, प्लस आपको रेस कैसे देनी है, टारगेट कैसे सेट करना है, ये चीज़ें सिखाई। अब हम चलते हैं डबल स्टैंड को कैसे हटाया जाता है। डबल स्टैंड हटाने के लिए सबसे पहले आपने अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ से पकड़ना है ग्रिप, राइट हैंड को आपने यहाँ से होल्ड करना है पीछे से, और राइट लेग को नीचे लाना है, नीचे जहाँ पर लगा हुआ है डबल स्टैंड, और हल्का सा पुश करना है, जैसे कि दैट्स इट,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये साइड स्टैंड लगा के आप ये सेट हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, डबल स्टैंड लगाना, डबल स्टैंड हटाना, किक स्टार्ट कैसे करते हैं, सेल्फ स्टार्ट कैसे लेते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेलरेटर कैसे देते हैं, यानी कि रेस किस तरीके से दी जाती है, और टारगेट किस तरीके से टारगेट देकर हमें रेस देनी है। सो फ्रेंड्स, इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर रेगुलरली, आपको जब तक नेक्स्ट वीडियो हमारी नहीं आती है, और अगर आ गई है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका से मेन यही काम है कि आपने टारगेट सेट करना है, डबल स्टैंड पे लगाना है और रेस देनी है रेगुलर बेसिस पे, कि रेस देनी है 10 पे, 20 पे, फिर ब्रेक मारनी है। ये इसलिए मारनी है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है आपके लिए, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को रिक्वायरमेंट है सीखने की, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।